हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज डायरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो बहुत ही लंबे समय के बाद मैं अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेंस के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ था, क्योंकि मेंस देने के बाद थोड़ा सा खुद को टाइम देना ज़रूरी है। दूसरा, इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है उस टाइम कि हम अपने लिए टाइम निकाल नहीं पाते, तो मैं खुद को समय दे रही थी। जैसे कि आप रूम की हालत देख ही रहे हैं, सारी बुक्स यहाँ वहाँ हो गई हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हम बुक्स पे ध्यान नहीं दे पाते। तो मैंने सोचा चलो आज अपना रूम ही अरेंज कर लिया जाए और मेंस को थोड़ा एनालाइज करेंगे कि हमने मेरा मेंस कैसा गया और क्या कमी रह गई। क्योंकि मेरा मेंस जितना मैंने सोचा था ना, उतना अच्छा नहीं गया है। क्योंकि मैं सोची थी इस बार मैथ्स बहुत अच्छे से करने वाली हूँ और लैंग्वेज पेपर और मैथ्स बस था मेरा तो, लेकिन लैंग्वेज में मेरा सीजी वाला पार्ट उतना अच्छा नहीं गया है और मैथ्स में भी मेरे आंसर्स नहीं आ रहे थे। तो मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही थी। हाँ, ये बात है, आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो नहीं आ रहे हैं, क्या मेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया? बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ा हुआ है, बस यही दोनों पार्ट जो था, सीजी वाला पार्ट और मैथ्स वाला पार्ट, जिसमें मैंने जैसा सोचा था उतना मैं परफॉर्म नहीं कर पाई। तो थोड़ा सा डिप्रेशन आ रहा था और थोड़ी बहुत मेंस की थकान भी रहती है। हम 4 दिन कंटिन्यू पेपर देते हैं ना, तो उसके बाद थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा रिलैक्स करें। तो मैं तो बुक की साइड देख ही नहीं रही थी। तो आज मैंने सोचा कि पूरी अपनी बुक्स अरेंज करूँगी और उससे पहले मैं अपने मेंस के पेपर को एनालाइज करूँगी। यहाँ ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो मैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बना कर रखी थी, एसे के और जो भी सब्जेक्ट है उसके। और एसे तो इस बार ऐसा आया था कि जो भी अगर एसे की तैयारी किया होगा ना, तो उसको सारे टॉपिक अपने पढ़े हुए ही मिलेंगे। जैसे मैंने सीजी ओलंपिक किया हुआ था, रीपा किया हुआ था, G20 किया हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी थोड़ा बहुत देखे गई थी। तो सारे जितने भी टॉपिक हैं मुझे दिख रहे थे वहाँ पे। लेकिन ऐसे में ये होता है कि कॉम्पिटिशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी टॉपिक हमारे सिलेक्टेड या फिर जो भी गेस्ट वाले आते हैं ना, तो लोग और अच्छे से अच्छा लिखते हैं, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने ना सीजी इकोनॉमिक्स का जो भी डेटा होता है ना, वो मुझे बहुत भूलता है, तो मैं उसके लिए अलग से नोट्स बना कर रखी थी। तो ये थे मेरे नोट्स और सारे बुक्स यहाँ वहाँ हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट ना इसमें मिक्स हो गए हैं, कौन से कहाँ पे इसको अच्छे से रखना है। दूसरा, मेरा स्कूल भी खुल गया है, मुझे ज्वाइन करना है, तो मुझे इस सारी बुक्स को लेके जाना ही पड़ेगा। तो इनको पहले सब्जेक्ट वाइज जमाएंगे और उसके बाद पैकिंग करेंगे। कभी कभी दिमाग इतना परेशान हो जाता है ना कि हम चीज़ों को इतना सोचते हैं कि सोचते सोचते ही हम इतने उलझ जाते हैं, हमको समझ नहीं आता रास्ता कहाँ से निकलेगा। तो ये चीज़ें ना नहीं हो, इसके लिए हमको ना पेपर पर सोचना चाहिए, मतलब हमको लिखना चाहिए हमारे दिमाग में चल क्या रहा है और हम क्या सोच रहे हैं। इससे ना आपको सही राह मिल जाएगी कि आगे क्या करना है। दूसरा, जो भी सोच सोच के हम परेशान होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें तो हमारे माइंड में ही रहती हैं, मतलब जितनी भी परेशानी होती है ना, वो सिर्फ माइंड का ही रहता है। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसको सोच के उसका आकार बड़ा कर देते हैं। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ सोच रही हूँ और सोचते सोचते ही मैं बहुत देर, मतलब लेट सोच रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा भारीपन लगने लगता है, जैसे बहुत बड़ी ही प्रॉब्लम हो। लेकिन मैं उठकर थोड़ा सा बाहर वॉक करती हूँ ना और फिर उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे वो चीज़ें हल्की लगने लगती हैं। तो होता ये है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी कितनी छोटी है, ये आपके माइंड के ऊपर है। तो क्यों ना हम माइंड में प्रॉब्लम को आने ही ना दें, उसको पहले ही सोच कर ख़त्म कर दें। तो वही मैं टेक्निक कर रही हूँ अभी। इसके लिए मैं ना हर पेपर को उठाऊँगी और उस पेपर के टाइम में मैं क्या फील की थी एग्ज़ाम हॉल में और मुझे क्या दिक्कतें आई, उसको मैं लिखूँगी। अभी जब मैं पेपर को देख रही हूँ ना, तो इतना रिलैक्स होकर देख रही हूँ और इतना इजीली मुझे सब चीज़ दिख रही है, मतलब क्वेश्चंस बन रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ऐसा क्यों हो जाता? होता ये है कि हमको, मतलब हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं और हम किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। मान लो कोई क्वेश्चन हमारे सामने है, उसके बारे में 2 मिनट, मतलब 2 सेकेंड भी सोचना पड़ रहा है ना, तो हमको ऐसा लगता है जैसे टाइम कम है, बाकी क्वेश्चन के टाइम नहीं बचेगा, और हम उस चीज़ को बहुत बड़ी बना देते हैं। अगर हम रिलैक्स होकर सोचे ना, जैसे कि अभी देखो मुझे ना सारे जो क्वेश्चन वहाँ नहीं बने हैं, एक दो जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे हिंदी के और सीजी के, वो अब याद आ रहे हैं। जैसे कि विश्वास करना आया था, तो मैंने उसको समझ नहीं पाई मैं क्या लिखूँ, उसको विश्वास करना भी मैं लिख सकती थी, बट वो ध्यान में नहीं आया। तो उन चीज़ों को मैं नोटिस कर रही हूँ, मतलब उन चीज़ों को मैं नोट कर रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे किस लैंग्वेज में किस किस चीज़ में दिक्कत हुई, ताकि आगे जब मैं प्रिपरेशन करूँ ना, तो मैं इन पर ज़्यादा फोकस करूँ।
जिस दिन से एग्ज़ाम ओवर हुआ ना, तब से मैंने सोचा था कि मैं एक दिन का ही रिलैक्स लूँगी, उसके बाद मैं पेपर को एनालाइज करूँगी और आगे क्या करना है इसका पूरा शेड्यूल बनाऊँगी। बट वो ना एक दिन और एक दिन होकर पेंडिंग ही हो रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज सबसे पहले मैं ना सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद सबसे पहले यही काम करूँगी कि पहले पेपर एनालाइज करूँगी। कंप्लीट भले ना कर पाऊँ लेकिन स्टार्ट तो कर ही दूँगी, ताकि एक बूस्ट मिल जाएगा दिन के लिए कि मुझे मैंने आधा टास्क कर लिया, आधा ही करना है, तो बाकी टाइम मैं कर पाऊँगी। अगर सुबह मैंने की होती ना तो आज का दिन भी ऐसे चला जाता। ये भी एक ट्रिक है, कोई भी काम करना हो ना तो उस काम को आधा करके छोड़ दो रात में ही या सुबह से ही, तो वो काम हो जाएगा। कभी भी हमको ना कोई काम नया स्टार्ट करना होता है ना, तब बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ जाता है या हम उसको पेंडिंग रखते हैं, हमें पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन अगर वो काम आधा कंप्लीट हो गया या कुछ भाग उसका कंप्लीट हो गया है तो उसको करने में हमको दिक्कत नहीं होगी। इस बार मेंस देने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि नॉलेज भले कम हो लेकिन अगर आप उन 3 घंटों में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं तो आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस ना कहीं बाहर से नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चन बाहर से होते हैं जो तो सबके लिए टफ होंगे, बट जो भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना वो सबके लिए सेम होता है। तो आपको कम पढ़ के भी अच्छा परफॉर्म कराना चाहिए, आपका 3 घंटे में राइटिंग अच्छी हो, दूसरा आप फास्ट लिख पाएँ, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इन माई केस तो यही है कि मुझे ना फास्ट लिखना और अच्छी राइटिंग के साथ लिखना, इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, जो भी हमें पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करना है और कम टाइम में रिवीजन करने के लिए ऐसे नोट्स तैयार करने हैं। इस बार मेरे साथ दिक्कत यही हो रही थी कि मैं, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से एक दो दिन पहले मुझे कुछ ठीक नहीं, मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और ऊपर से इतनी गर्मी, सेकेंड हाफ का तो आप पूछो मत, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि आप याद किया हुआ भी याद नहीं आ रहा था। इतने बार मुझे मेंस देते हो गया, बट जितना मैंने इस बार, मतलब जितना टफ इस बार था ना मेंस देना, उतना मैंने कभी फेस नहीं किया कि इतना टफ हो। मई में भी एग्ज़ाम हुए हैं लेकिन जो जून वाली गर्मी थी ना, ये बारिश ना होने के कारण बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। और गर्मी के कारण ही जिस आंसर में हम और अच्छा लिख सकते थे और अच्छे कर सकते थे, वो भी हम नहीं कर, मतलब मैं नहीं कर पाई। तो ठीक है, आज मैं एनालाइज की हूँ पूरा, मैंने क्या मतलब प्रॉब्लम फेस की एग्ज़ाम में और उसके सोल्यूशन क्या है, पूरा 7 पेपर का मैंने ऐसा लिख लिया है। आप भी चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं और इसको मैं एनालाइज करने के बाद अब मेरी स्ट्रेटजी बनेगी आगे की, आगे मैं कैसे पढ़ना चाहती हूँ या मैं आगे कैसे पढ़ूंगी, कैसे तैयारी करूँगी। फिलहाल मैं भी 1 डे एग्ज़ाम में फोकस करूँगी और मेंस के नोट्स प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है जिन सब्जेक्ट्स के, मतलब जिन पेपर के मेरे नोट्स पूरे कंप्लीट है ना, उनमें मैं अच्छा परफॉर्म कर पाती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आता है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट में ना, मैं रिवीजन टाइम में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि बुक से पढ़े होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के ही सही, लेकिन नोट्स सुन जरूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नोट्स से आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।